वेलकम बच्चों, डिवाइड के अगले पार्ट में आप सभी का स्वागत है। एक्सरसाइज 16 क्लास 5 का ये डिवाइड है, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जिसे बताया जा रहा है डिवाइड एंड चेक द आंसर्स। इसको डिवाइड को बनाना है और इसके आंसर को भी चेक करना है कि वो सही है या गलत है। तो आइए हम लोग इसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 825 से डिवाइड करना है 9200102 इसको, तो 800 दिया हुआ है और यहाँ 900 दिया हुआ है। तो 800 में हम लोग 8 का टेबल पढ़ सकते हैं, मतलब 800 का टेबल पढ़ सकते हैं। तो 8 2 16 1600 चला जाएगा, तो इसीलिए वन बार में फर्स्ट में हम लोग लेते हैं। तो 125 माइनस 5 यहाँ पे हो गया 111 में 2 9211 ये हो गया कट गया, और यहाँ पे 0 आ गया ऊपर से नीचे, और यहाँ पे 950 यहाँ फिर वही कंडीशन है। तो फिर जो है ये वन बार में इसको लगाते हैं, 825 फिर माइनस होगा 5 और यहाँ पे बच गया 4 में 2 हो जाएगा, और ये 9 में से 8 1, ये यहाँ पे 1 यहाँ से नीचे आ गया। तो इसको अगर 2 बार में ले जाते हैं 1600 हो जाएगा, और यहाँ पे 1200 है तो एक बार में ही जाएगा। 825 इसको माइनस करेंगे 6 आ जाएगा यहाँ पे, 11 में 5 6, और यहाँ 4 में 2 हो जाएगा, यहाँ पे 12 में से 8 4 ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे 0 नीचे आ जाएगा 0, तो 8 8 5 40 होता है, 40 हम लोग चेक करेंगे, 5 बार में चेक करेंगे। 825 इंटू 5 को 5 5 25 2 5 2 10 और 2 12 1 बच गया, 8 5 40 और 1 41 25, इसका मतलब है कि उतना ही बार जाएगा। 5 बार में इसको ये करते हैं, 41 25 माइनस करेंगे इसको, 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो गया, 3 हो जाएगा, 2 में से 1 1 हो जाएगा, ये ख़त्म हो गया, ऊपर में से 2 बच गया है, तो उसको हम नीचे ले आते हैं 2, और ये 1 बार में जाएगा 825, इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे 12 5 7 और यहाँ पे 4 में से 2, तो ये 2 हो जाएगा यहाँ पे 2, और यहाँ पे 13 8 5 हो जाएगा 5 27, और इससे आगे नहीं जाने वाला है, ये कट जाएगा, इसका मतलब कोसेंट 111 51 और रिमाइंडर 2 527। अब इसको हम लोग चेक करेंगे क्या ये सही है या गलत है, तो चेक करते हैं इसको, मल्टीप्लाई करना होगा हमको 11151 इंटू 825, इसको यहाँ से 5 1 5 5 5 25 2 बच गया, 5 1 5 और 2 7 और 5 1 5 5 1 5 एक क्रॉस लगा दिए, 2 1 2 5 2 10 0 1 बच गया, 2 1 2 और 1 3 2 1 2 2 1 2 फिर यहाँ 2 क्रॉस लगा दिए, 8 1 8 8 5 40 0 4 हो गया यहाँ पे, 8 1 8 8 और 4 12 2 अभी 1 बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है, तो 8 1 8 हो गया और 1 9 हो गया, और 8 1 8 ये हो गया, इसको किए प्लस 5 7 15 1 1 बच गया, 8 1 9 हो गया, 4 और 5 फिर 9 और यहाँ पे 9 2 11
और यहाँ पे हो गया 9। अब इसको प्लस करेंगे 527। इसको प्लस करेंगे 7512 1 हो गया, 729 और 110 हो गया, 5510 हो गया और 111 फिर 1 बच गया, 109 और 110 हो गया 0, अभी भी 1 बचा हुआ है, फिर 9 और 10, 9 और 110 हो गया, फिर 0 आ गया यहाँ पे, फिर 1 बचा हुआ है, 1 और 12 हो गया और ये 9 हो गया। तो हम इसको यहाँ से मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 4716 से डिवाइड करना है 83 20 961 और ये 4000 मान के चलना है, तो यहाँ 8 है, 4 2 8 होता है, लेकिन ये नहीं जाएगा क्योंकि हम लोग दिख रहे हैं 700 है, तो यहाँ 14 मतलब 104 हो जाएगा, तो 448 और 19 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ये जो है 1 बार में हम इसको लेते हैं, 4716 माइनस करते हैं इसको, 10 में 64 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, 13 में 76 और यहाँ पे हो जाएगा 7, 7 में 4 3, यहाँ से ऊपर से एक नंबर लेते हैं 9, यहाँ 36000 हो जाएगा, तो 4 9 36 होता है, 49 जा तो उतना नहीं जाएगा, इसको हम 7 या 8 में, पहले हम 8 में चेक कर लेते हैं, 16 8 मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 86 जा 48, 4 8 1 जाओ 8 हो गया, 4 12 हो गया, 2 1 बच गया, 7 8 जा 56 और 1 57, 5 बच गया, 4 8 जा 32 और 5 37 8 बार में नहीं जा रहा है, मतलब कंफर्म है कि ये 7 बार में ही जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 6 7 जो 42, 4 42 7 4 11 1 1 बच जाएगा, 7 7 जो 49 150 5 7 4 जा 28 और 5 33 7 बार में जाएगा, इसको हम लोग 7 से इसको लगाते हैं, 33012 माइनस करेंगे 9 में 27 303 ये कट गया, और यहाँ हम लोग 6 लेते हैं नीचे, 4 का टेबल में 7 बार में 28 आएगा, तो हम लोग 7 बार में देख रहे हैं बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसको हम लोग 6 या 5 में ट्राई करेंगे, तो पहले हम लोग 6 लेते हैं, 6 6 36 3 6 और 3 6 1 6 और 3 9, 6 7 जो 42 2 4 बच गया, 6 4 जा 24 और 4 28 इतना ही बार में जाएगा, तो हम लोग इसको ले जाते हैं 6 बार में 28296 इसको माइनस करेंगे 0 17 में 9 चला जाएगा 8 और यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 10 में 2 हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा और एक नंबर बच गया है 1, इसको ले लेते हैं, 4 5 जा 20 होता है, लेकिन 5 बार में संभवतः ये नहीं जाएगा, तो हम लोग चेक कर लेते हैं इसको 4 बार में, 4 7 1 6 4 into 4 6 4 जा 24 2 4 1 जा 4 और 2 6 7 4 जा 28 8 2 बच गया, 4 4 जा 16 17 18 ये इतने ही बार में जाएगा, 4 बार में 18 8 64 इसको माइनस करेंगे 11 में 4 7 9 6 3 7 17 8 9 यहाँ पे 9 हो जाएगा 1 और ये ख़त्म हो जाएगा,
इतना ये रिमाइंडर हो जाएगा, इसका मतलब कोसेंट ये है 1764 और रिमाइंडर इसका 1937। इसको हम लोग चेक करेंगे, इसको 4716 इंटू 1764, 64 जा 24, यहाँ पे लिखते हैं 2 बच जाएगा, 4 1 जा 4 और 2 6 हो जाएगा, 7 4 जा 28, 8 2 बच जाएगा, 4 4 जा 16, 17 18। एक क्रॉस लगाएंगे, 6 6 जा 36, 3 बच गया, 6 और 3 9, 7 6 जा 42, 2 4 बच जाएगा, 6 4 जा 24 और 4 28। फिर 2 क्रॉस लगाएंगे यहाँ पे, 7 6 जा 42, 2 4 बच गया, 7 1 जा 7 और 4 11 1 बच गया, 7 7 जा 49 और 155, 7 4 जा 28 और 5 33। यहाँ पे 3 क्रॉस लगाएंगे और यहाँ पे 1 बार में मल्टीप्लाई करने पर उतना ही आ जाता है, 6 1 7 4, इसको प्लस करेंगे, 4 6 6 12, 1 बच जाएगा, 17 18 19 और 120, 2 बच गया, 8 2 10 और 6 16 17 18 19, 9 1 बच गया, 9 10 और 1 11, फिर 1 बच गया, 10 2 12 और 1 13, फिर 1 बच गया, 7 और 1 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8। इसमें हम लोग प्लस करेंगे 1937 को प्लस करेंगे, 7 4 11 1 1 बच जाएगा, 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा, यहाँ पे 9 9 और 1 10 की 0, हाथ में 1 बच गया, और यहाँ पे 1 1 2 3 8 83 20 9 61। ये जो है यहाँ पे क्वेश्चन में भी वही दिया हुआ है, जो डिवाइडेंड है 83 20 9 67, ये दोनों इक्वल हो गया, इसका मतलब है कि ये हमारा डिवाइड बिल्कुल सही है। इसको हम लिखेंगे वेरीफाइड, इसका आंसर हो गया। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में चलेंगे, तो आइए हम लोग अगले वीडियो में चलते हैं।